राहुल गांधी ने हाल ही में अपनी मां सोनिया गांधी को एक पपी गिफ्ट किया जिसका नाम नूरी रखा गया, पर इस नाम पर काफी बवाल हुआ। इनफैक्ट राहुल गांधी के खिलाफ एक केस भी रजिस्टर हुआ जिसकी हियरिंग 8 नवंबर को होगी। ये केस AIMIM जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसके स्पोक्स पर्सन फरहान ने किया है। फरहान का कहना है कि कुत्ते का नाम नूरी रखना इस्लामिक रिलीजियस सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचाता है क्योंकि ये नाम अल्लाह के मैसेंजर मोहम्मद से रिलेट करके यूज किया जाता है। साथ ही ये नाम किसी कुत्ते को देना सारी मुस्लिम लड़कियां जिनका नाम नूरी है उनके लिए एक इंसल्ट है। इस केस का फ्यूचर क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। हालांकि इंडिया में कौन सा नाम रखा जा सकता है या कौन सा नहीं इसको लेकर कोई लॉ नहीं है, बट इंटरेस्टिंगली और देशों में ऐसे लॉज हैं जो नेमिंग को भी रेगुलेट करते हैं। जैसे कि जब इलॉन मस्क ने अपने बेटे का नाम काइल रखा था जिसे ऐसे स्पेल किया जाता है, तब ये बात सामने आई कि कैलिफोर्निया के लॉ के अकॉर्डिंग किसी के नाम में नंबर्स नहीं हो सकते हैं, जिसके चलते काइल के नाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स 12 को रोमन नंबर 12 में कन्वर्ट किया गया। साथ ही अमेरिका के कई स्टेट्स में शायद साउथ इंडियन नाम ना रखे जा सके क्योंकि कई जगह नाम को 26 अल्फाबेट्स में लिमिट करना कंपलसरी है, और स्टेट्स लाइक न्यूयॉर्क में किसी नाम में 30 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं और लास्ट नेम में 40 कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। साथ ही बच्चों के नाम ऑब्सीन या डेरोगेटरी टर्म्स नहीं हो सकते हैं, और कुछ प्रोहिबिटेड बेबी नेम्स भी हैं जैसे कि किंग, क्वीन, जीसस क्राइस्ट, सेंटा क्लॉस, मैजेस्टी, अडोल्फ हिटलर, मसीहा, द सिंबल ए एंड 1069 जैसे नाम। इसके अलावा किसी ब्रांड का जिस नाम पर ट्रेडमार्क हो वो नाम भी बेबी को नहीं दिया जा सकता है। ये तो थी अमेरिका की बात, मगर एक और महान देश है जहां के लीडर ने उसकी बेटी का नाम को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए उस नाम को कॉमन पब्लिक के लिए बैन कर दिया है। यू माइट हैव गेस्ड इट, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की 10 साल की बेटी जू ए का नाम कोई और नहीं रख सकता है। इनफैक्ट वहां जितने लोगों का ये नाम था उनसे भी अब नाम बदलने को कहा जा रहा है।